नमस्कार दोस्तों, महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सब तक BHU BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो आज सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ दिनांक 15 मई 2019 को, और इसका पेपर देखते हुए कुछ सॉल्व किए हुए और हर चीज़ का हर तरीके से देख के पिछले साल के कंपैरिजन में पेपर कैसा था सब तरीके से एनालाइज करके हमने ये पाया है कि इसका कट ऑफ क्या हो सकता है और एनालिसिस किया है कि आखिर मिनिमम कट ऑफ कितना तक जा सकता है। हालांकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स अच्छे खासे थे और नंबर ऑफ सीट्स वही है 123 इन द मेन कैंपस। तो आपको सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि क्वेश्चन किस तरह के थे, जस्ट हैव अ ग्लांस ऑन इट। देखिए, सबसे पहले हम रीजनिंग की बात करेंगे तो रीजनिंग के क्वेश्चंस जो थे आपके वो एवरेज थे। कुछ क्वेश्चंस एवरेज थे जो लगभग हर विद्यार्थी कर सकता था। 5 से 6 क्वेश्चंस ऐसे थे जो थोड़ी प्रॉब्लम होती, थोड़े टिपिकल थे, और मैं समझता हूँ कि वो थोड़ा इंटेलिजेंट विद्यार्थी या जिसने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी होगी वो कर दिया होगा अपने ईज के साथ। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री लगभग 95% एकदम बिल्कुल NCERT पैटर्न से था और बहुत मुश्किल क्वेश्चंस नहीं थे, कॉन्सेप्चुअल भी थे, इसके अलावा न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी थे। तो मैं समझता हूँ कि जिसने अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस की होगी और कॉन्सेप्चुअल भी पढ़े होंगे तो वो अच्छा करके आया होगा, बहुत मुश्किल नहीं था। कुछ क्वेश्चन तो वाकई आसान थे। ऑलराइट, अब अगली बात करता हूँ जो आपके ऑप्शनल थे। सबसे पहले मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स की बात करता हूँ। मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि 10th क्लास का बच्चा भी कर सकता, कुछ मतलब बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस थे, ज़्यादा नहीं। ऑलराइट, और उसमें भी अच्छे न्यूमेरिकल्स थे फिजिक्स में भी। मैथमेटिक्स की बात करूँ तो मैथमेटिक्स चाहे वो आपका कैलकुलस से क्वेश्चन था या फिर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स से था या फिर कुछ लीनियर इक्वेशन से था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से था, तो सब के सब क्वेश्चंस अच्छे थे आपके, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं थे। फिजिक्स में न्यूमेरिकल ठीक ठाक थे, अच्छे स्टैंडर्ड के थे। वहीं अब बोटनी और जुलॉजी की बात करता हूँ तो क्वेश्चन वर गुड। बोटनी एंड जुलॉजी में जो क्वेश्चंस थे वो अच्छे थे एंड अबव एवरेज थे सारे के सारे। एग्रीकल्चर की बात करूँ तो एग्रीकल्चर में सारे के सारे क्वेश्चंस जो थे अबव एवरेज थे। और चूंकि सिलेबस इसका कम है और मैंने इसके ऊपर 10 वीडियो बनाया था एग्रीकल्चर के क्वेश्चन के ऊपर, तो उसमें से मुझे लगता है कि कम से कम 15 क्वेश्चन बिल्कुल आए हैं हूबहू वहीं से। ऑलराइट, अगर आपने देखा होगा तो आपको आपने जरूर अच्छा करा होगा इस एग्जामिनेशन में, और जिस विद्यार्थी ने भी एग्रीकल्चर पोर्शन को टच किया होगा इंस्टीड ऑफ टचिंग मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एंड देन बायोलॉजी बोटनी एंड जूलॉजी, तो वो अच्छा करके आया होगा और उसकी उम्मीदें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होंगी। तो अब हम आते हैं निष्कर्ष पे कि कितने क्वेश्चंस मिनिमम कटअप जाने चाहिए। रीजनिंग की बात करूँ तो 20 क्वेश्चन आपके मीडियम लेवल के थे, 5 से 6 क्वेश्चन लगभग आपके टिपिकल थे, तो कम से कम एक अच्छे विद्यार्थी के लिए जो जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ जो जानी चाहिए वो जानी चाहिए 19 से 21 क्वेश्चंस के बीच में रीजनिंग से। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री एवरेज एंड फ्यू टिपिकल क्वेश्चंस न्यूमेरिकल वर देयर इन द क्वेश्चन पेपर, सो 20 से 22 क्वेश्चंस आउट ऑफ 25, और मैं समझता हूँ कि एक अच्छा विद्यार्थी 20 क्वेश्चन से ऊपर ही करके आया होगा। ऑप्शनल सेक्शन की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में लगभग 34 से 36 क्वेश्चन तक का कट ऑफ जाएगा एक अच्छे विद्यार्थी के लिए, एंड क्वेश्चंस वर फ्यू एवरेज और कुछ टिपिकल भी थे, न्यूमेरिकल्स भी आए हुए थे। बोटनी एंड जूलॉजी की बात करता हूँ तो दिस ऑल वर अबाउट एवरेज, और जिसने अच्छे से रिवीजन किया होगा, अच्छे से NCERT पढ़ी होगी, मैक्सिमम मॉक टेस्ट लिए होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, वो 36 क्वेश्चन तक करके ले गया होगा, उससे भी ज़्यादा हो सकता है 40 भी टच कर दे, तो इसका मिनिमम 34 to 36 क्वेश्चन का कट ऑफ जा सकता है। एग्रीकल्चर में बात करूँ तो ऑल एवरेज क्वेश्चंस वर देयर, तो 35 to 37 आई मिनिमम एक्सपेक्ट दिस मच। अब हम फाइनली इन सब क्वेश्चन के आधार पर इनको जोड़ के कितना कट ऑफ जा सकता है वो निष्कर्ष तक पहुंचता हूं, और आप देखिए कि क्या हो सकता है, मैं कहां लैंड कर रहा हूं, मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं। कृपया इस वीडियो को पूरा देखिए, देखने के बाद में शेयर भी कीजिए यंग लेडीज एंड जेंटलमैन। तो फाइनली कट ऑफ हो BHU BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर जनरल के लिए जो कट ऑफ है
पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखते हुए, इस साल का कट ऑफ देखते हुए, पिछले साल कट ऑफ को देखते हुए इस साल का कट ऑफ क्या होगा, ये मैंने बनाया है सब कुछ देखते हुए। ऑल राइट, तो मिनिमम कट ऑफ जो जनरल के लिए एक्सपेक्टेड है, क्योंकि कंपटीशन अच्छा था, इसमें नंबर ऑफ एप्लीकेंट की वजह से ज़्यादा कट ऑफ चला जाता है, और बहुत मुश्किल पेपर भी नहीं था इनफैक्ट, मैं आपको बता दूँ। तो जनरल के लिए कट ऑफ जो है कम से कम 220 से लेकर के 230 के बीच में आएगा। ओबीसी के लिए, अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए 205 से 215 के बीच में कट ऑफ उनका रहेगा, और वही शेड्यूल कास्ट के लिए 190 से लेकर के 200 मार्क्स तक उनका कट ऑफ आएगा। एसटी के लिए 175 टू 185 एंड फिजिकली चैलेंज्ड पीपल वुड हैव 165 प्लस, उनमें भी कंपटीशन काफ़ी है, क्योंकि इसमें कैंडिडेट्स इतने ज़्यादा हैं कि हर कैटेगरी में कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, नेक टू नेक फाइट है। तो ये रही आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, अगर आपके मार्क्स इसके आसपास कहीं आ रहे होंगे तो आप समझिए कि आपका सिलेक्शन होगा, आपको काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। ऑल राइट, तो अच्छी बात है इनफैक्ट। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट यंग लेडीज एंड जेंटलमैन। अगर इस वीडियो को पसंद किया आपने तो लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम लोग तक शेयर तो ज़रूर ही कीजिएगा, और अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हिट द सब्सक्रिप्शन आइकन एंड देन प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कॉन्ट मिस द वीडियो इन फ्यूचर। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, गॉड ब्लेस यू।